been made. This was a trolling activity. I don't react to trolls. अनुष्का शर्मा, दरअसल जिस वीडियो की झलक आपने देखी, इस वीडियो में अनुष्का शर्मा हाल ही में हुए अपने ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ती नजर आई हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। दरअसल आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम की एक आधिकारिक तस्वीर शेयर की थी। इसमें अनुष्का शर्मा भी नजर आई थी। अनुष्का की इस तस्वीर में नजर आने के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था और इस पर बवाल हो गया था, पर अब अनुष्का ने इस पर खुद चुप्पी तोड़ी है और दिया है अपना जवाब। सुनिए क्या कहती हैं अनुष्का। अनुष्का, माय क्वेश्चन इज, रिसेंटली बीसीसीआई ने ट्विटर पे एक फोटो डाली थी जिसकी वजह से आप को थोड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पता है मैं क्या कर रही थी? जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आप सुन रही थी और मैं सबके रिएक्शन देख रही थी। सब लोगों की शक्ल में खुशी आ गई थी, सब लोग हाँ पूछा। ओ माल, मैं बस यही कहूंगा कि पिक्चर में मैंने कुत्ते का भी किरदार निभाया है, तो मैं काट भी सकता हूँ। See guys, I think ये जो बात हुई है इसके बारे में whoever had to make a clarification, the clarification has been made. This was a trolling activity. I don't react to trolls and give any attention to them. Whatever happened has happened within the guidelines. Whatever will happen will always happen within the guidelines. So let's not make a big hue and cry about literally this is a topic of absolutely no substance. तो इस तरीके से अनुष्का शर्मा ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कह दिया है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दरअसल एक ट्रोलिंग एक्टिविटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी मामला था वो मामला आपके सामने आ चुका है, बीसीसीआई भी इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। बता दें कि अनुष्का ने यह जवाब दिया है अपनी फिल्म सुई धागा के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसी के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जब वरुण और अनुष्का वहां पर पहुंचे तो फिल्म की बातों बातों में ये बात भी छिड़ गई और रिपोर्टर ने जैसे ही अपना सवाल पूछा, अनुष्का ने दिया अपना जवाब ट्रोलिंग के मामले में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।